हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम एक ऐसे यात्री के बारे में जानेंगे जो 17 वर्ष की उम्र में समुद्री यात्राएं करने लगा था और क्यों वो प्रिंस ऑफ मिडवेल ट्रैवलर्स के नाम से फेमस हुआ और उसने अपनी किताब में भारत के विषय में क्या क्या लिखा, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उनका नाम है मार्को पोलो, जिनका जन्म 15 सितंबर 1254 में वेनिस गणराज्य में मध्य युग के अंत में हुआ था। उनके पिता का नाम निकोल पोलो था, जो एक इतालवी व्यापारी थे। उनकी माँ का नाम निकोल एना डिफ्यूज था। मार्को की माँ की मृत्यु जल्द ही हो गई थी जब वो काफी छोटे थे, जिस कारण उनका पालन पोषण उनके चाचा और चाची ने किया। मार्को के चाचा का नाम मोटोयो था, वो भी एक अच्छे व्यापारी थे। मार्को के पिता और चाचा मिलकर व्यापार का काम करते थे। वो लोग कुछ अलग करना चाहते थे, जिसके सिलसिले में वो सिल्क रूट से सफर करते हुए चीन पहुंचना चाहते थे और सीधे वहीं से रेशमी वस्त्र लाना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करने से वो लोग काफी मुनाफा कमा सकते हैं। इस यात्रा की शुरुआत करने में उन्हें लगभग 9 वर्ष का समय लग गया था। वे लोग रेशम मार्ग की यात्रा करने वाले सर्वप्रथम यूरोपियन में से एक थे। अपने पिता और चाचा के साथ मार्को ने अपनी यात्रा की शुरुआत लाइलाउसुस बंदरगाह से प्रारंभ की। उस दौरान मार्को लगभग 17 वर्ष के रहे होंगे। वे लोग अपनी यात्रा में कस्तुनतुनिया से वोल्गा के तट, वहां से सीरिया, फारस, काराकोरम और फिर काराकोरम से उत्तर की ओर बुखारा से होते हुए मध्य एशिया में स्टेपी के मैदानों से गुजरकर पिगिंग पहुंचे। इस पूरी यात्रा में उन लोगों को 3.5 वर्ष का समय लगा। इस दौरान मार्को पोलो ने 4 भाषाएं सीखी, पर्शियन, टर्किश, अरेबिक और मंगोल। मार्को काफी गुणवान थे। इस सफर में मार्को ने काफी दिलचस्प शहरों और स्थानों को देखा था, जिसमें यरूशलेम, हिंदू कुश के पर्वत, गोबी रेगिस्तान थे और वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिले भी थे, जो वेशभूषा रीति रिवाज में काफी अलग थे। चीन पहुंचने पर उनकी मुलाकात मंगोल शासक कुबलाई खान से हुई थी। कुबलाई खान 5वें मंगोल सम्राट थे और मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी। कुबलाई खान मार्को से मिलकर काफी प्रभावित हुए थे। उनकी भाषा के ज्ञान से काफी प्रसन्न हुए, जिस कारण मार्को को उन्होंने अपने साम्राज्य में अधिकारी पद दे दिया। मार्को पोलो कुबलाई खान का राजदूत बन गया। अब मार्को का काम था मध्य एशिया का दौरा कर वहां के साम्राज्य से समझौता करना और बेहतर रिश्ते बनाना। यहां मार्को पोलो ने लगभग 15 वर्ष तक रहते हुए निष्ठापूर्वक सेवा की और फिर वो 1295 में घर वापस लौटना चाहता था। उसने कुबलाई खान से इजाजत मांगी और कुबलाई खान ने उसे वापस लौटने की इजाजत दे दी। वापस जाते समय मार्को भारत को देखना चाहते थे, इसलिए वो भारत गए। मार्को पोलो भारत के दक्षिणी छोर से भारत आया था और वो अंडमान निकोबार द्वीप पर पहुंचा। मार्को पोलो अंडमान पर लिखे जाने वाले पहले यूरोपियन यात्रियों में माने जाते हैं। वे लिखते हैं कि यहाँ का कोई राजा नहीं था, सब शांति और मिलजुल कर रहते थे। मार्को पोलो आगे अंडमान से तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पर गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने समुद्र से मोतिया निकालने की एक अनोखी तरकीब देखी। इससे आगे मार्को तमिलनाडु के दूसरे तट पर गए। उस समय वहां पर पांडे साम्राज्य का राज था। जब मार्को ने वहां के राजा को देखा तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि राजा हीरे मोती जेवरात से लदे हुए थे। मार्को इस विषय में लिखते हैं कि जिस राजा का यह नगर है उसके पास विशाल कोषागार है और वह खुद कीमती जेवरात धारण किए रहता है। वे बहुत ठाट बाट से रहते हैं और अपने साम्राज्य पर युक्तियुक्त ढंग से शासन करते हैं और विदेशियों और व्यापारियों के प्रति पक्षपात नहीं करते, ताकि वे शहर में आकर प्रसन्न होकर रह सकें। इस शहर में भी जहाज आते थे,
व्यापारिक बंदरगाह होने के कारण यहाँ आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी और इस शहर में बड़े बड़े व्यापार का आदान प्रदान होता है। मार्को पोलो भारत में कई स्थानों की यात्रा की। वहाँ से मार्को आज के तेलंगाना राज्य में गए। उस समय वहाँ मुरफीली साम्राज्य था। यहाँ पर उनको रुद्रमा देवी के बारे में पता चला, जो कत्तेय वंश की महारानी थी। वो न्याय प्रेमी थी, अपक्षपात और शांति चाहने वाली थी। वे अपने राज्य के लोगों द्वारा पहले से कहीं अधिक प्रिय थी। फिर वहाँ से मार्को गोलकुंडा गए, जहाँ पर उन्होंने हीरे की खान देखी और उस गहरी खान से वहाँ के व्यापारी कैसे हीरा निकालते थे ये भी उन्होंने देखा। ये काफ़ी अनोखी विधि थी। मार्को जब पश्चिमी तट से जहाज में जा रहे थे, तब समुद्री लुटेरों ने उनके जहाज का पीछा किया। किसी तरह बसते हुए मार्को पोलो महाराष्ट्र पोर्ट पर पहुंचे। महाराष्ट्र में उस समय शिलाहार वंश का शासन था। वहां पर उन्होंने देखा कि बाजार बहुत व्यस्त है। उसके बाद मार्को गुजरात गए। वहां पहुंचकर दिखा कि भारत के बाजारों ने किसी भी पूर्वी देशों के बाजारों को टक्कर दे रखी है। यहाँ के बाजार काफी विकसित हैं। मार्को 1294 में सोमनाथ मंदिर भी गए। इसके बाद वो वापस अपने घर वेनिस गए। वापस लौटने के बाद वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। लोग उनकी यात्राओं के बारे में जानने के लिए उनके पास भीड़ लगा लिया करते थे। मार्को ने अपनी यात्रा के विषय में एक किताब लिखी, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। इस किताब में उनकी पूरी यात्रा का वर्णन मिलता है। भारत में जो जो उन्होंने देखा वो सब इस किताब में लिखा। जब वहाँ के लोगों ने मार्को से भारत के बारे में सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि भारत इतना समृद्ध व शांति प्रिय है। इसी वजह से मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इन्हीं की यात्राओं के अनुभव से कोलंबस भी भारत की यात्रा करने निकला था। तो ये थी मार्को पोलो से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।